हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हूँ एक नए ड्रामे के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। ड्रामे की शुरुआत दाव दाव से होती है, जिसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया। इस गम में वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुजरे अच्छे लम्हे और बेवफाई के सपने देख रही होती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है, जिसे देखकर सारी गर्ल्स चिल्ला कर उसकी वीडियो बना रही होती हैं, क्योंकि वो एक आइडल है। वो दाव दाव के पास जाता है और पता नहीं ऐसा क्या करता है कि दाव दाव उड़ जाती है और बड़े स्टाइल से कहते हुए आती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम बस यही चाहते थे कि मैं मर जाऊँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। और तभी डायरेक्टर सीन कट करता है। क्या लगा आप सबको कि ये हकीकत है? नहीं, ये बस एक शूटिंग थी। दाव दाव की एक्टिंग सबको पसंद आती है। शूटिंग के बाद वो खुश होती है कि बाकी की शूटिंग कल होगी तो वो अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर जा सकती है। फिर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करता। तो वो सोचती है कि ये कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहा, इसने तो कहा था कि ये मेरे साथ घर वापस जाएगा, कहाँ है ये। वो उसे दोबारा कॉल करती है और जा रही होती है तो वो क्या देखती है, वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ होता है। ये सब देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है और खुद से कहती है कि मैं कितनी इडियट हूँ। वो था ही ऐसा, जैसे कचरा फेंकते हैं वैसे ही उसे कचरे की तरह डस्टबिन में फेंक दो। ये सब सोचते हुए वो जा रही होती है कि उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी मेन लीड शिंग इनचिन उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है और फिर अच्छा खासा सीन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दाव दाव सो रही होती है और जैसे ही उठती है तो कहती है कि मेरा सर, ये कौन सी जगह है, क्या मैं सपनों की दुनिया में आ गई। ये कहते ही वो इधर उधर देखने लगती है और सोचती है कि कहाँ हूँ मैं। वो और कहीं नहीं इनचिन के घर होती है। इनचिन किचन में होता है। दाव दाव कहती है कि ये कौन है और सोचती है कि कल रात क्या हुआ था और छुप छुप के वहाँ से जा रही होती है तो इनचिन उसे देख लेता है और कहता है कि तुम जाग गई। उसे देखकर वो सोचती है कि क्या ये सुपरस्टार शिंग इनचिन तो नहीं। इनचिन उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है। दाव दाव घबरा जाती है और खुद से कहती है कि शांत हो जाओ, मुझे पता करना होगा कि मैं यहाँ कैसे आई और कल रात क्या हुआ था। और फिर इनचिन से कहती है कि हमें बात क्लियर करनी चाहिए, तुम जो कोई भी हो, कल जो कुछ भी हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। इनचिन मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं। दाव दाव कहती है कि हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं और फिर टॉपिक चेंज करने के लिए उसके घर की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, सक्सेसफुल मैन और ग्रेट हाउस, और घबराते हुए इधर उधर घूमने लगती है। उसकी हरकतें देखकर इनचिन सोचता है कि डंप होने के बाद ये सच में पागल हो गई है। दाव दाव इधर उधर टहल कर आखिरकार बैठ जाती है और उसे देखकर सोचती है कि मैं क्या करूं, ये कितना हैंडसम है, गॉड ने मेरे लिए कितना सुंदर लड़का भेजा है। फिर कहती है कि नहीं, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें सोचने का। उसे देखते देखते पानी के 4 से 5 गिलास पी जाती है। पानी पीने के बाद वो देखती है कि टेबल पे उसकी आईडी कार्ड रखी हुई है तो वो कहती है कि मेरा आईडी कार्ड यहाँ क्या कर रहा है। ये सब पता करने के लिए वो कहती है कि आज कितना अच्छा मौसम है और इनचिन के करीब आकर बोलती है कि मैं एग्जैक्टली हूँ कहाँ। इनचिन उसे कोई जवाब नहीं देता और उठकर अपनी टाई बांधने लगता है तो दाव दाव कहती है कि तुम्हारे पास तो बहुत प्यारी टाई है और उसकी टाई पकड़ लेती है तो इनचिन कहता है कि ब्रेकफास्ट के बाद वो चला जाएगा और कुछ देर बाद एक और मेल लीड आएगा। ये कहते ही वो जाने लगता है तो दाव दाव उसे रोकती है और उसे अपनी बात क्लियर करने का कहती है। इनचिन उसे कार्ड देता है और कहता है कि ये मेरा असिस्टेंट है और तुम्हें कुछ और पता करना है तो इसके पास चली जाओ। ये कहते ही वो फिर से जाने लगता है तो दाव दाव उसे फिर से रोकती है और कल रात के बारे में पूछती है तो इनचिन हंसता है और कहता है कि कल रात तुम बहुत खराटे ले रही थी और मैं ये सीक्रेट रखूंगा। इनचिन चला जाता है तो दाव दाव सोचती है कि क्या बकवास है ये,
मैं खराटे नहीं लेती। उसके बाद दाव दाव अपने घर होती है और सोचती है कि आखिर कल रात क्या हुआ था। वो याद करने की कोशिश करती है कि तभी दरवाजे पे बेल बजती है। दाव दाव दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है जो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। वो बड़े प्यार से ब्रेकफास्ट लेकर आया होता है। उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं पता, पर वो ये नहीं जानता कि दाव दाव को उसके सारे काले करतूतों का पता चल चुका है। वो कहता है कि कल तुम कहाँ थी, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। दाव दाव उसे घूर घूर के देख रही होती है तो वो कहता है कि ऐसे तो मत देखो, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो, और उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम इसलिए गुस्सा होना कि कल शूटिंग खत्म होने के बाद मैंने तुम्हें घर नहीं छोड़ा। दाव दाव अपना हाथ छुड़ा कर कहती है कि मुझे टच मत करो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। बॉयफ्रेंड बड़े प्यार से कहता है कि तुम मुझ पे गुस्सा करोगी। दाव दाव कहती है कि यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। बॉयफ्रेंड उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो दाव दाव उसे धक्का दे देती है और वो घिर जाता है। दाव दाव उसे अपने घर से निकल जाने को कहकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर देती है। बॉयफ्रेंड कहता है कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। दाव दाव कहती है कि निकल जाओ यहाँ से और अपनी गर्लफ्रेंड के पास चले जाओ। अपने बॉयफ्रेंड को मारने के बाद दाव दाव बैठी होती है तो उसका बॉयफ्रेंड आकर उसे कहता है कि सॉरी, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, तुम जानती हो हम एक साथ कितने खुश थे, मुझे एक और चांस दे दो, और तस्वीर दिखाकर कहता है कि ये वही लम्हा है, मुझे माफ़ कर दो। दाव दाव सोचती है कि इसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बेचारा बॉयफ्रेंड अपने गिफ्ट्स और पिक्चर्स दिखाकर उसे मनाने की कोशिश करता है पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और थक हार कर उसके साथ आकर बैठ जाता है और कहता है कि क्या मैं सच में गलत था। और फिर उसकी नज़र पिक्चर पे पड़ती है तो वो उसे दाव दाव के पास लाकर कहता है कि ये पिक्चर देखो, ये हमने अपनी लास्ट एनिवर्सरी पर ली थी, और अपनी सारी पिक्चर्स दाव दाव को दिखाने लगता है तो दाव दाव कहती है कि ये सब करना बंद करो। वो कहता है कि मैं गलत था, मैं बहुत गलत था, मुझे एक और चांस दे दो, मैं आगे से तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगा, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, हम 4 साल से साथ थे। दाव दाव गुस्से से उठ जाती है और कहती है कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं धोखा बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाता है। वो उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे एक और चांस दे दो, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, कसम से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तभी उसके घर कोई आता है। वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ इंचिन होता है और कहता है कि तुम मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही थी, मोबाइल फिर रखा किस लिए है। उसे देखकर दाव दाव सोचती है कि अब ये यहाँ क्यों आया है और कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ है, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। बॉयफ्रेंड का सुनकर इंचिन को बड़ा झटका लगता है और कहता है कि बॉयफ्रेंड, और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।